हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडक्शन एट नायर के बारे में। तो हमारा करंटली नायर में इंडक्शन चल रहा है। सबसे पहला कोर्स जो होता है नायर में वो होता है फाउंडेशन। इट इज़ वेरी बिग कोर्स एंड इसका जो ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 10 वीक्स का होता है। वेर एज़ अगर आप इंडक्शन को कंपेयर करें तो इंडक्शन सिर्फ 4 वीक्स का होगा, मीन्स 1 मंथ। इंडक्शन में आपको टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा नहीं सिखाई जाएगी, नॉन टेक्निकल चीज़ें होती है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्क, उसके बाद सेफ्टी, देन अकाउंट, फाइनेंस, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज दिया जाता है। इस बार जो हमारा इंडक्शन हो रहा है वो ट्रैफिक ऑफिसर्स, अकाउंट ऑफिसर्स एंड पर्सनल ऑफिसर्स के साथ हो रहा है। तो अभी हमारे साथ टेक्निकल ब्रांचेस नहीं है, नॉन टेक ब्रांचेस हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम नायर आए थे तब हमारे लेक्चर्स हुआ करते थे क्लासरूम में, ओके। बट स्टिल हमें यह वार्निंग था कि ज़्यादा पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं आना चाहिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है खांसी या फिर फीवर की तो उन्होंने मेंशन करना है रिस्पेक्टिव हॉस्टल में। तो फर्स्ट वीक हमारे लेक्चर्स हुए थे रिगार्डिंग सेफ्टी एंड अकाउंट्स, एंड इसमें हमें सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वीक एंड हुआ जो कोरोना का इंटेंसिटी था वो बढ़ गया था, एंड इसी वजह से जो क्लासरूम लेक्चर्स है वो सस्पेंड कर दिए गए। एंड ये जो एक फ़ोटो है ये फर्स्ट वीक का ही है दोस्तों, क्लासरूम के लेक्चर जब हुआ करते थे तब का। तो कोरोना का जैसे ही इम्पैक्ट बड़ा था लेक्चर सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन लेक्चर्स अभी भी चल रहे हैं एंड वो अभी ऑनलाइन वे में चलते हैं। तो जो जूम ऐप होता है या फिर कोई भी ऑनलाइन ऐप जो है जिससे आप एक तरह से कॉन्फ्रेंस कर सकते हो या फिर ऑनलाइन आप इंटरेक्ट कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड क्वेश्चन आंसर सेशन, इस तरह से हमारे लेक्चर्स अभी भी चल रहे हैं और जो भी सिलेबस है वो कवर किया जा रहा है। तो अगेन इट्स अ वे इन विच वी कैन फाइट दी वायरस एंड एट द सेम टाइम हम लोग कुछ चीज़ें सीख भी सकते हैं। तो इस तरह से नायर ने अपना जो काम है हमें सिखाने का वो कंटिन्यू रखा है। दोस्तों, ये जो एक बिल्डिंग है ये है हाई स्पीड रेल इंस्टीट्यूट। तो इस बिल्डिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, रिसेंटली ही इंडियन रेलवेज ने इस बिल्डिंग को जो क्वारंटाइन होता है उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर या फिर एक बैकअप के तरह इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है। और ये जो बिल्डिंग है ये अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड है, तो इसमें बहुत ही मॉडर्न रूम्स है, तो ये एज़ अ क्वारंटाइन बैकअप की तरह रखा गया है। अगर हमारे रहने की व्यवस्था देखें तो करंटली वी आर इन अतिथि एंड पाउने हॉस्टल। अतिथि हॉस्टल का ये है फोटो, एंड जिस रूम में हम करंटली रह रहे हैं इट्स अ स्पेशियस रूम अगेन फॉर टू पीपल, तो दो लोग शेयर करते हैं। ये एक तरह से छोटा सा मीटिंग रूम है एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ बेडरूम एंड वॉशरूम अटैच। सो बिकॉज ऑफ दिस 21 डेज या फिर इससे भी एक्सटेंड होने वाला जो भी बंद है, इस सब चीज़ों के वजह से दोस्तों लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। तो द गुड थिंग इज़ नायर इज़ प्रोवाइडिंग यू ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़, तो खाना पीना इन सब चीज़ों के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन नायर ने हमें जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे सैनिटाइज़र्स है, उसके बाद हैंड वॉश है, ये प्रोवाइड किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारी है इसको फैलने से रोकने के लिए रेलवेज़ एंड नायर भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। एंड सिमिलरली हमें भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप जो है वो रूम से बाहर नहीं निकलना है, मिनिमम सेफ डिस्टेंस रखना है एंड जो भी WHO की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। हॉस्टल में भी रेगुलर क्लीनिंग के स्टफ़ होते रहते हैं, तो इससे हॉस्टल का जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्लीन रहता है। दोस्तों, अगर खाने की बात करें तो दे आर प्रोवाइडिंग अ हेल्दी फूड टू अस, सो दैट देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। एंड अगेन दिस इज़ फ्रॉम मेस वर्कर्स ओनली, तो मेस वर्कर्स जो है वो हमारे कैंपस में ही रहते हैं, तो वो भी उन्हें भी एक सेफ़ इन्वायरमेंट ऑफर किया गया है। अगेन आप पूरा दिन तो रूम में नहीं रह सकते, तो आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हो, लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। जिम बंद है, उसके बाद स्विमिंग पूल है वो भी बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से जहाँ पे भी कांटेक्ट हो सकता है या फिर वायरस स्प्रेड के चांसेस है, यह सब चीज़ें शट डाउन कर दी गई है। लेकिन आप कैंपस के अंदर घूम सकते हो, कैंपस के बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन कैंपस के अंदर आप जो भी आपकी थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटीज़ है उनको कर सकते हो, लाइक रनिंग एंड सम एक्सरसाइज। तो ये एक फ़ोटो वहीं कैंपस का है, दिस इज़ आ फुटबॉल ग्राउंड, बट यहाँ पे अभी एक्सरसाइज चल रही है एंड ये सिर्फ इवनिंग में चलता है। तो दोस्तों, आप दिन भर होते हो रूम में तो थोड़ी कुछ चीज़ें जैसे मीम एंड जो ऑनलाइन गेम्स है ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें सीख भी रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आर रेगुलर स्टडी।
तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे पीएम सर ने कहा है या फिर जो सभी लोग कह रहे हैं स्टे होम एंड स्टे सेफ, इसे हमें ज़्यादा सीरियसली लेना है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपना जो रेगुलर रूटीन वाला जो लाइफ है इसको फिर से एक बार जी सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। ये वीडियो का यही मकसद था कि करंटली हमारी जो कंडीशन है आपको बताना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड इस वीडियो के बाद दोस्तों हम लोग, आपने जितने भी हमें क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब का आंसर्स करने के लिए एक Q&A वाला सीरीज़ ला रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर वाला, तो उसका वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो लिख सकते हो। तो थैंक यू, बी सेफ एंड बी हैप्पी।